इसको खोलते हैं एंड अबे ये क्या तुझे डांस क्यों कर रहे हो आप। आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स और आज हम जा रहे हैं अपने दादाजी के घर क्योंकि भाई दादाजी का टीवी खराब हो गया एंड उनके आसपास के लोग ना उनसे डरते हैं तो शायद से इसलिए हम जा रहे हैं अपने दादा के घर में टीवी ठीक करने। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप सभी देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं अपने दादाजी के कमरे में एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमारी दादी कहां पर है बट एनीवेज यहां पर इन्होंने भाई दो दो नौकरानियों को काम पर रख रखा है। बट ये नूबड़े डांस क्यों कर रही है जाकर बर्तन वर्तन मांजना नूबड़ी गई। बट ठीक है सबसे पहले गेट खोलते हैं एंड वो रहे हमारे दादाजी टीवी रिपेयर करो। एक सेकंड दादाजी एक काम करो ये कील तो ले लो। एक काम करते हैं अपने दादाजी को कील लेकर आते हैं ये पता नहीं क्यूट होके जा रहे हैं टीवी। हेलो हेलो दादा ये लो ये बोल रहा परेशान मत कर मेरे को ऐसे डरा दिया और एक कुत्ते की ये कुत्ता बंदर है भाई कुत्ता भाई वो। बट ठीक है मैं जाने को ये हमारे दादा की गाड़ी है शायद से। बट एनीवेज यहाँ पर हमें जाना है। हेलो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सॉरी सॉरी ओके गाइस चुपचाप से यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला गेट खोलना है एंड वो हमारे दादा के पास बेसमेंट भी है। यहाँ पर क्या किडनैप करके रखते हैं क्या लोगों को। बट ओके यहाँ पर एक और किल है मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कलेक्ट करके क्या होगा। बट कोई ना सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और अच्छी बात तो ये है कि हमारे साथ और भी काफी सारे लोग हैं हमें डर तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। बट हाँ यार हमारे दादाजी शायद से हमसे बहुत ही ज्यादा गुस्से हैं तो कुछ भी हो सकता है क्या पता। एक सेकंड क्या हुआ ये। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या पता वो हमें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके तो मैंने वो बटन दबाया जिससे कि ये पिलर्स निकल रहे हैं दीवार के अंदर से तो इसको पूरा निकलने देते हैं एंड देन यहाँ भाई नहीं यार। ओके तो सबसे पहले यहाँ से हमें अभी मैं गिरते गिरते बचाऊँ। ओके हमें जाना कहाँ पर है ऊपर जाना है ये मतलब समझ नहीं आ रहा। अभी हम बेसमेंट में थे बट हमने इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली है मुझे लग रहा है अब हम छत पर आ चुके हैं। बट ओके यहाँ पर सामने की तरफ एक गेट है इसको खोलते हैं एंड तो आते जी डांस क्यों कर रहे हो आप। हेलो वो भागी हैं यार ये तो नहीं ऐसे नहीं हो सकता बेसमेंट में तो नहीं आएंगे ये। अबे एक ही जगह पर नाचे जा रहे पाते के कौन आता है। ओ हमें यहाँ पर जाना है बेसमेंट से तो हम आए थे ना। एक सेकंड भाई दादा यार कैसे गुस्सा हो रहे हो अपने अपने पोते पर। ओके ओके क्यों मेरे को कील बता रहे क्यों लेनी भाई मेरे को कील लेनी दादा ले दो यार प्लीज। एक तो मैं अपने दादा का भाई टीवी सही करना चाहता हूँ उनके लिए मैं कीले फाइंड कर रहा हूँ। बट ठीक है भाई अपने दादा भाई बड़े गुस्से में लग रहे पता नहीं क्यों। बट एनीवेज सबसे पहले ये वाली कील लेते हैं भैया जान दो यार अपने बेटे को मारो ना मेरे को अपने पोते को क्यों मार रहे हो। बट ठीक है ये बटन मैंने दबा दिया वो टक गया दीवार पे मैं। चल 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 ओके ओके अच्छा वो जो शायद से जो मैंने यहाँ पर दो गेट खुले हैं। एक सेकंड मुझे कौन से वाले गेट पे जाना है। अबे यार ये घूम के भाई आ गया मैं मेरे को उसी वाले गेट पर जाना था पूरी भूल भुलैया बना रखी है भाई अपने दादा ने। पर ठीक है और सामने भाई मुझे लगा कोई भूत हवा में कैसे उड़ रही है। अबे ये कैसा जादू है। ओह ओके अच्छी बात यह है कि गेट ऑटोमेटिक बंद हो चुका है और ये हवा में कैसे उड़ रहा था। एक सेकंड रीसेट ब्लॉक्स क्या अच्छा हमें ऊपर चढ़ना है एंड ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं जिसको अगर हम लेकर एक सेकंड अच्छा तो हमें यहाँ पर ब्लॉक्स प्लेस करने हैं कुछ इस जगह पर। एक ब्लॉक प्लेस कर दिया अब सेम ये वाले हमें मतलब सीढ़ी बनानी है काइंड ऑफ। ओके तो ये लास्ट वाला बॉक्स यहाँ प्लेस करते हैं अब बस मेरे को जंप मार के चलना है और वापस से। यार इससे बढ़िया दादाजी आप एक बारी को सीढ़ी ही लगा देते बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने को। बट ठीक है दो ब्लॉक में ही काम हो जाएगा और यहाँ पर हमें ये खिड़की तोड़नी है वो नहीं खोलनी है और हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पीछे कील है। दादा रुको मैं आपकी टीवी के लिए कील ला रहा हूँ टीवी से बड़ा तो भाई कील ही है ये। ओके पत्तों पे छुपे हुए भाई ये क्या पकड़म पकड़े खेलोगे क्या रात में जाना कहाँ। अच्छा हमें ये वाला बटन खोलना है जिससे कि दादा दादा अंदर बताना अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये। ठीक है प्लीज 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 मैं वैसे जा सकता हूँ यहाँ कर। ओके फाइनली भैया दादा ने हमारा पीछा तो छोड़ दिया बट ये क्या लिखा है भाई पता नहीं यार अपने दादा भी दीवारों पे क्या क्या लिखते रहते हैं। बट ओके तो शायद से मैं ये वाला बटन जैसे मैंने बटन दबाया पता नहीं ऐसे लगा कि भाई भवंडर आ गया मतलब अर्थ क्यों जिसे कहते हैं मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई मेरा दिमाग में कुछ पढ़ ले नहीं पड़ रहा। और ये क्या हम किसी पुराने महल में जा रहे हैं क्या क्योंकि ये जो बनावट है किसी घर की तो कहीं से भी नहीं लग रही। और ये कैसा जाल बुन रखा है अपने दादा ने अपने पोते को मारने के लिए। बट ठीक है हमें शायद भाई लावा कौन डालते हैं अपने घर में यार। ओके हमें कुछ इस तरीके से ओ भाई पूरा डैम भाई अपने ये दादा के घर है क्या मुझे लग रहा है इन्होंने ना कहीं से लूटा है ये घर भाई इनके भाई तो दिमाग कहाँ से आएगा। और नीचे की तरफ कील है तो मुझे लेनी है बट एक सेकंड मैं ऊपर कैसे जाऊंगा मुझे मरना पड़ेगा यार यहाँ पर। तो ठीक है सबसे पहले यहाँ से कूदते कूदते आगे चलते हैं एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ये गिरेगा क्या। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो घर है ना ये कहीं ना कहीं जाकर एक महल से मिल रहा है। और ये कौन है ये पिटा है भाई अबे मेरे को मारना नहीं आपको भाई अपने पोतों से पिटना चाहते हो क्या टेडी बेयर के पागल हो गया भाई ये किसका दादा मेरा दादा नहीं हो सकता भाई ये पागल हो इतना मार रहे भाई मार तो रहा है ये पुटर पुटर क्यों कर रहा है भाई।
ठीक है दादाजी, अब लड़ाई हो गई ना, अब आओ ठीक है ये लो, अब दादा मैं तीर मारूंगा, अपना पॉपअप दिखाओ, पुटर नहीं करनी। ठीक है गाइस, सबसे पहले कितना कूद क्यों रहे, इनके पाँव कैसे हो गए इतना जल्दी। हाँ, अपने दादा को मार दिया भाई, बट ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर एक और बटन है, शायद से ये झूला या एलिवेटर है, तो हमें शायद से बस इसको एक्टिवेट करना है। ओके, तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड क्या हमारे कोई दूसरे दादा भी है, क्योंकि एक दादा तो हमने मार दिया है। बट ठीक है भाई, ओके, ये कैसी जगह है, यहाँ पर ये क्या है, ये कुछ ट्रायंगल्स, ओ हमें यहाँ पर प्लेस करना है इनको। ठीक है और लास्ट वाला एक और है जो कि है स्क्वायर, तो इसको भी यहाँ से उठाते हैं। अब बस सिंपल अपने को यहाँ पर प्लेस करना है, इधर एंड इधर। ओके, अच्छा इससे गेट खुल जाएगा भाई, ये क्या खतरनाक सा बच्चों वाला पासवर्ड लगा रहा है उन्होंने। ठीक है ये वाला गेट खोला, एंड भाई घर के अंदर इस तरीके की मेज कौन बनाता है दादाजी, यार आप खुद ही बताओ, अगर दाद देंगे तो गिर नहीं जाएंगी। ये अलग ही नशे में है भाई हमारे दादा, बट हमें यहाँ जब अभी नहीं कर रही थी भाई, मैंने देखा नहीं भाई, यार राइट से रास्ता था, बट ओके किले ले लिया मैंने, जिससे कि मैं टीवी सही कर सकूं। भाई मुझे लगता है टीवी की किले है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया भाई ये। एनीवेज, और यहाँ पर अभी कितनी गाड़ी है, ये कौन सी खतरनाक सी गाड़ी ले रही है दादा ने, बट यहाँ का जो रास्ता है भाई सच में ये घर का तो मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है। एंड वो रीसेट ब्लॉक्स, अच्छा ये हमें प्लैंक्स उठा के यहाँ रखना है एंड वापस से, अच्छा हमें ब्रिज बनाते हुए जाना है, लेट्स गो भाई, ये तो इजी पीजी है, ये हम एकदम इजी पीजी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं, एंड मेरे को वो केल चाहिए, तो मैं यहाँ से जब नहीं मार सकता भाई, मैं रिस्क नहीं चाहता, चुपचाप यहाँ रखते हैं ब्लॉक, मतलब जो लकड़ी का पट्टा है, अब इसको यहाँ से उठाओ एंड यहाँ पर प्लेस करते हैं। और इसी तरीके से हम आ चुके हैं उस पार, एंड भाई कितना ओके तो फाइनली ये जगह शायद से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर लाल गेट है, लाल मतलब भाई डेंजर का साइन होता है। ओ ये गाड़ी, ओ ये टायर, ये फोन चोरी करके ले गया टायर को। और यहाँ पर एक और किला है, हमें शायद से बटन, वो क्या हुआ इससे, ओ अच्छा शटर खुला है, तो ठीक है। ओए अबे भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पंखा चालू हो गया, बट ठीक है इससे हमारी स्पीड बढ़ गई थी, बट लेट्स गो गाइस, यार तो फाइन हो भाई, क्या पता मुझे लगा था यहाँ पर दूसरा पंखा भी होगा। ओए अबे हड्डियाँ टूटेगी यार, दादा अपने पोते पर थोड़ी सी तो रहम खा ले। बट ओके गाइस, ये कहाँ घुसा रहे हैं यार, एक दो यार अच्छा बोला टीवी सही करने आ रहे थे, बिना बात के यार ड्रामे कर रहे हैं हमारे दादाजी। ओके मैंने वो बूस्ट तो पी लिया, शायद बूस्ट ही है वो हमारी, वो मुझे लगा था भाई पाँव से ऐसे बूस्टर्स निकलेंगे हमारे। लेट्स गो गाइस, इजी पीजी, मुझे लग रहा है मैं गिरूंगा। ओके गिरा बचा ठीक है, इजी पीजी हम यहाँ तक भी आ चुके हैं, अब बस यहाँ से आगे जाना है, लेट्स गो। अपने दादा ने भी भाई यही खाया होगा, वो जो बूश मतलब जो पिया होगा, क्योंकि वो पुटर नहीं कर रहे थे वो भाई, वो अलग से ही कुछ निकल रहा था उनके पीछे से, और वो शायद इसी को पी कर ही निकला हो। और वो दादाजी, ये हमारे रियल दादा तो नहीं हो भाई, वो गेट लॉक हो गया, असली मकसद अपने जैसा खतरनाक सा रोबोट बनाना था, और ये भाई मुझे, मैं मरने वाला हूँ, मेरी हेल्थ कम हो गई है। बट ओके अच्छा जैसे ये कूदते है ना तो एक अलग सी रेज निकालते हैं अपने अंदर से, बट ओके मैंने हाफ हेल्थ कर दिया हमारे दादा की, ये देखो ये कूदे यहाँ से कुछ ना निकला, ये बच गया, ठीक है जब मार दिया बच जाएंगे, आ जाओ दादा, खत्म दो तीन गोली की ओर रह रही है, मर गए, खत्म आपका जाना है। तो शायद से हमें इस रास्ते पर जाना है, और यहाँ पर क्या ये जहाज है, पानी वाला जहाज लग तो ये रहा है, बोट लग रही है पानी की, नीचे पानी है क्या, बट ओ यस भाई ये एक बहुत ही खतरनाक सी शिप है धुआं निकालते हुए, एंड ओके ओए ये शिप ने भी ये पिया है क्या खतरनाक सा, बट एनीवेज इसने हमें एक अलग सी ही जगह पर छोड़ दिया। एंड यहाँ पर देखो भाई ये कैसे करेक्टर्स हैं, अबे यार इनको खरीदना पड़ेगा, यहाँ पर ये रहे हमारे दादाजी, ये शायद से हमारा भाई होगा, ये हमारी दादी जी, और ये हमारे पापा है शायद, बट कुछ भी बोलो भाई ये है तो मजेदार गेम। और यहाँ पर ये नौकरानी भाई फिर डांस करने आ गए, ये नहीं कि बर्तन मांज ले, बट एनीवेज गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी वीडियो को जोर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।